नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं आज की इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पे। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रुनेई से सिंगापुर के लिए हुए रवाना। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, मोदी सरकार इसराइल को ना दे जंग का साजो सामान। यूपी रोडवेज के ड्राइवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 2 साल बढ़ी सेवानिवृत्ति की आयु। दिल्ली में हुआ आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन, 1 साल लड़ेंगे एमसीडी वार्ड कमेटी का चुनाव। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के संगलदान पहुंचे, चुनाव रैली को किया संबोधित। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई। जम्मू कश्मीर में बोले राहुल गांधी, बिजली प्रोजेक्ट का फायदा लोगों को नहीं हुआ। अखिलेश ओवैसी के ज्ञानवापी पर बयान के मामले में पूरी हुई सुनवाई, अब 17 सितंबर को आएगा आदेश। गोरखपुर में होगा राज्य अध्यापक पुरस्कार समारोह का आयोजन, बेसिक और माध्यमिक के शिक्षक होंगे सम्मानित। सीएम योगी का सपा पर तंज, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। राहुल गांधी का बयान, इतिहास में पहली बार किसी राज्य से स्टेटहुड छीना गया। ओपी राजभर का अखिलेश पर पलटवार, बोले क्या उनका बुलडोजर नवाब सिंह के घर जाएगा। जम्मू कश्मीर में बोले राहुल गांधी, बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के 6 आरोपियों की बड़ी न्यायिक हिरासत, सीबीआई करेगी कस्टडी में पूछताछ। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत नेगी ने सांसद कंगना रनौत पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। दिल्ली एमसीडी समिति चुनाव में केशमपुरम जोन में निर्विरोध जीते बीजेपी के सभी उम्मीदवार। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का बड़ा दावा, पीएम मोदी की वजह से बच गए बांग्लादेशी हिंदू। मणिपुर में पुलिस और आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन, कई जिलों में भारी मात्रा में हथियार बरामद। 10 साल बाद वाराणसी पीडीडीयू नगर के बीच शुरू हुई ई बस सेवा। भारत ने तोड़ दिया टोक्यो पैरालंपिक का रिकॉर्ड, पेरिस से ज्यादा मेडल जीतकर बनाया कीर्तिमान। फिलहाल के लिए टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।